नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। आगरी सेना के कैलाश पाटिल ने करोड़ों रुपए के घोटाले का किया पर्दाफाश। विरार पूर्व स्थित चंदनसार में आगरी सेना के कैलाश पाटिल ने एक बार फिर स्थानिक भूमि पुत्रों के लिए आवाज उठाते हुए एक पत्रकार परिषद रखी, जिसमें उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शिक्षण महाश्री व तत्कालीन महसूल वन इरिगेशन खार भूमि मंत्री व उसी प्रकार सिकाम के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गोविंद वर्तक उर्फ भाऊ साहेब वर्तक, उसी प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य मंत्री स्वर्गीय ताराबाई वर्तक व उनके परिवार की गांव मौजे डोंगरे यहां की जमीन पर कब्जा करने हेतु भाऊ साहेब वर्तक की मृत्यु के 6 वर्ष बाद ही उनके नाम से एक डमी व्यक्ति को खड़ा कर उनकी फर्जी फोटो व नकली अंगूठा लगाकर झूठे दस्तावेज बनाकर जमीन हड़प कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, जिसके खिलाफ कैलाश पाटिल ने प्रशासन से SIT गठित करने की मांग की है। वहीं सवाल यह उठता है कि जब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति के साथ इस तरह की ठगी व जालसाजी हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, तो एक आम आदमी के साथ अगर कुछ होता है तो प्रशासन क्या कर पाएगा। पेश है विरार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, ग्लोबल सिटी है विरार पश्चिम में 525 एकड़ जगह पे मेसर पालघर लैंड डेवलपर भागीदार राजेश कुमार वाधवा दीवान एंड सन्स के नाम से प्रोजेक्ट इन्होंने विरार के माफिया से लिया। इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया एवरशाइन बिल्डर को, एवरशाइन ने प्रोजेक्ट दिया एवरशाइन रुस्तम जी बिल्डर को जॉइंट वेंचर में। ये जो इसमें जो वर्तक फैमिली की जगह है जो 90,000 फुट दिखा रही है और कुछ 15-20 एकड़ ये जगह है जिसमें वो साहूकार दिखाई दिए, इसमें 32M की ऑर्डर नहीं हुई है। और ये जो साइन है जिधर जो पावर है वो 25 साल का जो लड़का है वो विकास नरसिंह वर्तक करके उनका फोटो लगा के वो पावर लिए झूठे फाइल है। भाऊ साहेब वर्तक जो स्वर्गीय पद्मश्री भाऊ साहेब वर्तक है उनकी डेथ हुई 97 में, तो 2004 में उनकी पावर कैसी बनती है, सिंपल है। 91 में उनकी बहन जो है घरत नीलिमा विजय घरत वो 91 में एक्सपायर होगी, तो 2004 में उनकी पावर कैसी बनेगी। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट किए हुए और फर्जी के डॉक्यूमेंट करके इन्हें परमिशन जो ली है वो इन्हें परमिशन इमीडिएटली कैंसिल करे। ये परमिशन दी है वो टाइम के कलेक्टर थाना कलेक्टर 2004 के, मेरा कमिश्नर अभी जो कमिश्नर है कोकण कमिश्नर को रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक तो वो डिसीजन दे सकते हैं या वो कलेक्टर पालघर को उनके राइट्स डेलीगेट करके वो दे सकते हैं, इमीडिएटली इसमें प्रोसेस करें। मुझे कांग्रेस के जो अभी प्रेसिडेंट है बाला साहब थोरात जी, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, मेरे को उनको कहना है कि थोरात जी आप रेवेन्यू मिनिस्टर है, आपके लिए एक फ़ोन का ही काम है कि आपको ये जो फ्रॉड है वो एक फ़ोन करेंगे, क्योंकि ये वर्तक फैमिली 100 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जो लॉयल है कांग्रेस से, 100 साल से कांग्रेस से लायल है, जो इनको कांग्रेस वाले न्याय नहीं दे सकेंगे तो कॉमन आदमी को कैसे देंगे। थोरात साहब मैं तुम्हाला विनंती करतो इकडून की ह्याच्यात इनिशिएटिव घ्या आणि लवकरात लवकर ह्याच्यात जेवढे अक्यूज आहेत मग ते जे पण असेल त्यांच्यावर फौजदारी केस करा, मग ते ब्युरोक्रॅट्स असतील वो ब्यूरोक्रेट्स रहे या वो यहाँ के बिल्डर रहे माफिया रहे, उनके ऊपर केस होनी चाहिए, ये सिंपल उनको मेरा कहना है। सर, इस विषय पे आपने डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ पत्र वगैरह किए हैं और क्या आप ऑल ओवर मांगी है? ईडी से लेके सबको ये डॉक्यूमेंट गई है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो अपना नया अभी दिल्ली में एक खाता खुला है, एक ऑफिस खुला है, उनसे ईडी से लेके SFI से लेके सबको दिया हुआ है। भारत में इसे एक क्वेश्चन है, ये घोटाला कितने का है? ये 10 से 15 हजार करोड़ का घोटाला है।
कब से चल रहा है? ये कम से कम 15 साल से चल रहा है। आपके संस्था की नज़र कब से बनी हुई है? ये अभी 3-4 महीने में हमें कुछ पेपर ढूंढ रहे तो हमको ये पेपर मिले। टोटल कितने किसान इससे? 877 किसान इससे पीड़ित है। 887 किसान पीड़ित। क्या ये जमीन डेवलप हो चुकी है, बिल्डिंग बन चुकी है? 50-60% डेवलप हो गई और बाकी 30-40% बाकी। वहाँ फ्लैट कॉस्ट बिक रहा है? 6,000 रुपए से उधर फ्लैट बिक रहा है। टोटल आंकड़ा कितने हजार करोड़ का? 10-15 हजार करोड़ का आंकड़ा है। आपका शुभ नाम? कैलाश हरी पाटिल, आगरी सेना उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य।